वेलकम टू रामसर इंग्लिश अकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मैं नरेश आपके सामने करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों कल जो मैंने 7वें क्वेश्चन का आंसर जो बताया था वो गलत था और उसका राइट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि मनु साहनी, यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है जो कि ये गलत है। बाई मिस्टेक मेरे से गलती हो गई तो दोस्तों उसके लिए सॉरी। कल जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखे थे उनके मैं आंसर बताना चाहूंगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था, हाल ही में किस देश में गूगल से स्पर्धा करने हेतु अंतरिक्ष आधारित ब्रॉडबैंड के लिए अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया, किसने किया है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, चीन, नेपाल, रूस, जापान। इनमें से राइट ऑप्शन है ए, यानी कि चीन देश ने, ये आपका राइट ऑप्शन है। जिसके आंसर गलत हैं वो आप ठीक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, निम्न में से किस आसियान देश की संसद ने मार्जुआना के चिकित्सा उपयोग को मंजूरी दे दी है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, ए दिया है थाईलैंड, बी दिया है फिलीपींस, सी दिया है लाओस और डी दिया है वियतनाम। इनमें से राइट ऑप्शन है ए, यानी कि थाईलैंड। जिनके आंसर गलत हैं वो आप सही कर लें। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। फर्स्ट दिया है, किस देश के तत्व रूप सिद्धांत 7 पर्वत शिखरों और 7 ज्वालामुखी पहाड़ों को फतेह करने वाले सबसे युवा पर्वतरोही बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना और किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दिनेश महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, कर्नाटक हाई कोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य में कोयले के परिवहन पर 19 फरवरी को अगली सुनवाई तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है, मेघालय सरकार ने। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही निकाले जा चुके कोयले के परिवहन के लिए खदान मालिक और अधिक समय देने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक में 6,000 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी डालने और उसकी प्राधिकृत पूंजी को दोगुना कर कितने करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, 20,000 करोड़ रुपए कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के जूडो खिलाड़ियों ने पुणे में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल 2019 में 12 स्वर्ण, 3 रजत और कितने कांस्य पदक पर कब्जा करके बाकी टीमों को पछाड़ दिया है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, 6। दोस्तों दिल्ली के जूडो खिलाड़ियों ने पुणे में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल 2019 में 12 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक कब्जा कर बाकी टीमों को पछाड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस सद्भावना दूत का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, योहेई ससाकावा, ये आपका राइट ऑप्शन है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 के लिए निम्नलिखित में से किसे गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को चुना गया है, ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव अधिकार को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहां पर आरंभ हुआ है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, लंदन में शुरू हुआ है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स IOHR द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु 3,639 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है, 13।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा हाल ही में किस स्थान पर आयोजित वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 में विजन 2040 दस्तावेज जारी किया गया है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से किसे मुक्केबाजी कोच को नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, ए दिया है बिजेंद्र सिंह, बी दिया है शिव थापा, सी दिया है सीएम कटप्पा और बी दिया है एस आर सिंह। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा आप बताएं कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए, निम्नलिखित में से किस पशु रोग से निपटने के लिए किया जाएगा? ए दिया है पोलियो, बी दिया है संक्रमित अनीमिया, सी दिया है बुखार, डी दिया है डायरिया। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिख भेजें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप करंट अफेयर्स क्वेश्चंस देख सकें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।